सुबह सुबह का समय है, बाब और पप्पी आज क्या कर रहे हैं घर में? अरे ये क्या, बाब को क्या हो गया है? आज सुबह सुबह ही लगा है मैगजीन पढ़ने। मैंने तो किसी को नहीं देखा जंगली जानवरों का शिकार करते। आखिर कौन है जो जंगली जानवरों का शिकार करता है? जानवरों का शिकार करना तो गलत बात है, मुझे ऐसे व्यक्ति को रोकना होगा। पर कौन जानवरों का शिकार करता है मैं नहीं जानता, मुझे ऐसे व्यक्ति का पता लगाना होगा और उसे गलत करने से रोकना होगा। बॉब ना जाने क्या कर रहा होगा। अरे ये क्या कर रहा है, ये तो चलते चलते कुछ सोच रहा है। मुझे सोचते सोचते काफी देर हो गई, पर मुझे ऐसा व्यक्ति कहीं नहीं सूझ रहा जो जानवरों का हत्यारा हो। अरे माँ आ गई। अरे बॉब बेटा क्या हुआ, इतने चिंतित क्यों हो? रुकिए माँ, मैं बताता हूँ आपको। माँ को मैगजीन दिखाऊंगा तो झट से समझ जाएंगी। ये लीजिए देखिए माँ। किस बात ने बॉब को इतना बेचैन कर दिया? ओहो शिकार पर रोक लगाओ। कि ये आदमी कौन है जो मासूम जानवरों को मार देते हैं? अरे बेटा वे शिकारी कहलाते हैं, उनके पास बड़ी बंदूक होती है। अच्छा अच्छा तो वो शिकारी है, मैं अभी चलकर शिकारी को ढूंढ निकालता हूँ। अरे बेटा मेरी एक बात तो सुनते जाओ। वह खत्म हो गया माँ, अब शिकारी को मैं ढूंढ लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। बॉब अचानक से काम पर निकल देता है बाबा, मुझे हमेशा सतर्क रहना पड़ता है रे, ये मेरे बिना न चला जाए कहीं। मुझे जल्द ही शिकारी को ढूंढना पड़ेगा और उसे जानवरों को मारने से रोकना होगा। शिकारी को तो मैं ढूंढ कर रहूंगा, वो मुझसे अब बच नहीं सकता। पता नहीं शिकारी जानवरों को क्यों मारते हैं, बस एक बार वो मुझे दिख जाए तो मैं सब जान जाऊंगा। अरे वो रहा शिकारी। कहाँ गया वो? छोटे जल्दी चल, नहीं तो शिकारी शिकार करने चला जाएगा। सुनिए अंकल। कौन है, क्या बात है बच्चे, क्या तकलीफ है तुम्हें? अंकल आप मासूम जानवरों का शिकार क्यों करते हैं? मैं जानवरों का शिकार नहीं, उन्हें बचाता हूँ। तो आप पुलिस हैं? हमें शिकारी कहाँ मिलेगा बाबा? तुम्हें शिकारी देखना है तो चलो मेरे साथ। हाँ हाँ ले चल रहे बाबा, मुझे शिकारी को देखना है रे। कौन है जो जानवरों को देखते ही गोली मार देता है बाबा? शिकारी को ढूंढने की धुन में है बाब और पप्पी। ये बात इन दोनों के लिए नहीं है अच्छी, क्योंकि शिकारी के चंगुल में अगर फंस गए दोनों तो बाद में बहुत पछताएंगे दोनों। ये तो हम पुलिस चौकी आ गए रे बाब, यहाँ शिकारी को रखा गया है क्या? हमें अभी सब पता चल जाएगा छोटे, तू ज्यादा सोच मत। हम पहुँच गए, सामने टंगी तस्वीर को देखो बच्चे। तस्वीर को देखा मैंने। वो बीच वाले व्यक्ति को देख रहे हो जो सभी तस्वीर के बीच में है? हाँ देखा मैंने। ये अभी मेरी गिरफ्त में नहीं आया। तो ये शिकारी है, आप चिंता ना करें अंकल, अब मैं इस शिकारी को गिरफ्तार करके आपके पास लाऊंगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ, इससे पहले कि शिकारी और किसी जानवर का शिकार करे मैं उसे रोक लूंगा। अरे बच्चे रुक जाओ, चिंता ना करें अंकल। लगता है ये लड़का नहीं मानने वाला, ये जरूर उस शिकारी से मिलेगा। सुनो बच्चे आज से तुम भी एक वन पुलिस हो। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। अरे छोटे देख मैं भी वन पुलिस बन गया। अरे हाँ तू तो वन पुलिस के बैच में एकदम मस्त लग रहा है रे। बाब और पप्पी चले हैं शिकारी को समझाने, शिकारी से अपनी हर बात मनवाने। शिकारी को भला आज तक समझा पाया है कोई? शिकारी को शिकार करने से रोक पाया है कोई? वो बैठा चाय पी रहा है। ये तो बड़ा डेंजरस लग रहा है बाबा। तू चिंता मत कर छोटे, हमें कुछ नहीं होगा। अंकल अंकल जरा सुनिए। छोटा वन पुलिस लगता है नया ज्वाइन किया है। आप इसी बंदूक से जानवरों का शिकार करते हैं? मेरे बंदूक के बारे में कुछ कहा तो अंजाम बुरा होगा। चुप कर कुत्ते। नहीं नहीं ऐसा गजब मत कीजिएगा अंकल, आपको दिखता नहीं मैं एक वन पुलिस हूँ। तुम एक वन अधिकारी हो? अच्छा मैं समझ गया। अंकल समझ गए छोटे, आज से हम अच्छे दोस्त हैं। हाँ हाँ। अरे वाह बाब ने तो इस शिकारी को तुरंत समझा दिया बाबा। जानवरों का शिकार नहीं करूँगा, उनसे प्यार करूँगा। अंकल क्या कर रहे हैं? अरे मेरे प्यारे दुलारे छुटकू, अंकल को माफ कर दो, अब हम दोस्त बन गए हैं। चलो हम लोग जंगल घूमने चलते हैं। क्यों नहीं? शिकारी के संग चले बाब और पप्पी जंगल घूमने, अभी भी वक्त है घर चले जाओ तुम दोनों, नहीं तो शिकारी के संग बुरे अंजाम पड़ेगा भुगतने। इन दोनों की वजह से आज मैं कितने दिनों के बाद शिकार पर जाऊंगा। अंकल यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? यहाँ से कोई संदिग्ध नहीं जाना चाहिए, रुक जाओ। लगता है अंकल गुस्से में हैं। अंकल अंकल आप यहाँ क्या कर रहे हैं, क्या हुआ आपको? इस धूर्त महाकपटी के साथ तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? मैं धूर्त कपटी हूँ और तुम सीधे सच्चे हो। हम जंगल घूमने जा रहे हैं। क्या जंगल? जंगल जाऊंगा। हाँ नहीं अंकल आप गुस्सा मत होइए, ये अंकल अब शिकार नहीं करेंगे, हम दोनों की दोस्ती हो गई है।
हाँ हाँ हाँ, मैं अब सुधर गया हूँ। ये सुधर गया है, ठीक है जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, हम जंगल से घूमकर अभी आते हैं। चलो, इस वन अधिकारी से छुटकारा मिल गया, अब मैं आजाद शिकारी हूँ। आ गया जंगल। चल छोटे, जंगल में चलकर जानवरों को देखते हैं, वे कैसे हैं? हाँ हाँ, चल रे बॉब, जंगल के अंदर चलकर जंगली जानवरों की गिनती करते हैं रे। जंगल में आते ही मैं तरोताजा हो जाता हूँ। जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए मन मचल रहा है, बड़े दिनों से शिकार नहीं किया मैंने। यहीं से जंगली जानवरों की खुशबू की महक आ रही है। लगता है गेंडा आस पास ही है। हम काफी दूर तक आ गए रे बॉब, एक भी जानवर दिख नहीं रहा है बाबा, सभी को शिकारियों ने मार गिराया है क्या? तू चिंता मत कर छोटे, मेरे रहते जानवरों का। अरे अंकल कहाँ गए? छोटे अंकल हमारे साथ नहीं है। पता नहीं ये अंकल कहाँ चले गए रे, कहीं वो जानवरों का शिकार तो नहीं करने लगे बाबा? नहीं नहीं छोटे, उन्होंने शिकार न करने का मुझसे वादा किया है। अंकल अंकल जरा सुनिए। कौन है ये? आप यहाँ बंदूक लिए क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं बस यूं ही देख रहे हैं। अरे वाह, यह तो एक गेंडा है, मजा आ गया। बड़ी दुर्लभ प्रजाति खोजा आपने। हाँ हाँ, बड़ी दुर्लभ है यह। आपका कोई जवाब नहीं अंकल, आप लाजवाब हैं। वो तो है। देखा छोटे, अंकल ने तुरंत एक गेंडा ढूंढ लिया। दोनों कितनी देर से इधर उधर परेशान हो रहे थे। हाँ हाँ, मैंने देखा रे बॉब, ये तुरंत किसी भी जानवर को बंदूक की नोक पर कर लेते हैं बाबा। चलिए हम नजदीक से गेंडे को देखते हैं। अरे नहीं नहीं, वहाँ मत जाओ। चल छोटे, गेंडे को नजदीक से देखते हैं। हाँ हाँ, चल रहे बाबा। गेंडे को नजदीक से देखने चला है बॉब और पप्पी। यह देख शिकारी की हालत हो गई पतली। कितने दिनों के बाद शिकारी को मौका हाथ लगा है शिकार करने का। देखते हैं शिकारी क्या शिकार कर पाएगा गेंडे का। बड़े दिनों के बाद हमें गेंडा देखने को मिला है छोटे, नजदीक से जाकर गेंडे को देखने का आनंद लेंगे। हम एकदम पास आ गए छोटे, यहीं से गेंडा देखने का आनंद लेते हैं। हाँ रे बॉब। चलो जरा मैं भी नजदीक से जीवित शिकार को देखूं, मैंने आज तक नजदीक से जीवित शिकार को नहीं देखा है। अंकल भी आ गए, आइए अंकल गेंडा देखिए। जीवित शिकार कैसा है? ये तो किसी दुश्मन की कंध आ रही है मुझे। अरे ये तो एक शिकारी है, नुकीलो सिंगों से तू बच नहीं पाएगा शिकारी। गेंडा गुस्से में मस्त लगता है। गोली मार दूंगा। अरे ये क्या कर रहे हैं अंकल, हमें इसे मारना नहीं है, भागना है। हाँ हाँ रे बाबा, जल्दी भाग छोटे, नहीं तो गेंडा हमें पकड़ लेगा। मेरे सिंगों से बच नहीं पाएगा ये। जोर का मारा रे, उस गेंडे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अंकल को गेंडे से जोर की मार लगी छोटे, अंकल तो अचेत पड़े हैं। क्या हुआ अंकल, आप यहाँ पर इस तरह से क्यों पड़े हैं? कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो गेंडा कहाँ गया? अरे वो रहा, मैं उसे गोली मार दूंगा, उसकी ये मजाल कि मुझे मारे। नहीं नहीं अंकल, इन मासूम जानवरों के लिए ऐसा विचार मन में नहीं लाते, आइए मेरे साथ चलिए। ये शिकारी अंकल तो हमेशा गोली मारने की ही बात करते हैं रे। एक अच्छा शिकार हाथ से निकल गया। हम घने जंगल में आ गए छोटे, यहाँ हमें कोई बड़ा जानवर मिलेगा, भालू या शेर भी हो सकता है, देखकर बड़ा मजा आएगा। क्या बात करता है रे बॉब, सुब सुब बोल रहे, शेर तो हमारा शिकार कर लेगा बाबा, मुझे तो अब काफी संभल संभल कर चलना होगा रे। अरे वो देख छोटे, जंगली भैंसा। जल्दी चल रहे बॉब, पास चलकर देखते हैं बाबा, भैंसे के पास चलकर चिढ़ाने में बड़ा मजा आएगा बाबा। कौन आ गया यहाँ? ओफो, कोई मुझे शांति से भोजन भी नहीं करने देता, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। जल्दी भाग छोटे, ये भैंसा तो गुस्सा हो गया, अगर पकड़ लेता तो हमें मार मार कर अधमरा कर देता। भैंसे को चिढ़ा कर भागे बॉब और पप्पी, अगर पकड़ में आ गए दोनों तो भैंसा तोड़ देगा उनकी हड्डी। जल्दी भाग शिकारी अंकल। चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा। ओह गॉड, जल्दी चल रहे बॉब, लगता है शिकारी अंकल को भैंसे ने काफी जोर का मारा है बाबा। तूने ठीक कहा छोटे, भैंसा काफी गुस्से में था, उसने जोर का मारा होगा। क्या हुआ अंकल,
आपको काफी जोर की लगी क्या? अंकल तो काफी सुस्त लग रहे हैं रे। अब बहुत हुआ, तुम दोनों की खैर न है। शिकारी के फंदे में लटके झूल रहे हैं बाप और पप्पी। गुस्से में आकर शिकारी ने अपनी असली जात दिखा दी। बाप और पप्पी को चारा बनाकर खुद बैठा है पेड़ की आड़ में छुपकर। चारा खाने शिकारी जानवर आएगा और शिकारी का शिकार बन जाएगा। अरे अंकल, हमें नीचे उतारिए, ऐसे लटका क्यों दिया हमें? अरे ये क्या बात, तो इधर ही आ रहा है, हमें खा जाएगा बाबा। अरे वाह, बड़ा शिकार, जरा और पास आओ बच्चे। कौन कमबख्त आ गया? कोई चलबाजी नहीं, हाथ ऊपर करो। हाँ हाँ, ऊपर कर लिया भाई। मुझे हवाई फायरिंग करना होगा। अब तुम ठीक हो, हम चलें? हाँ हाँ चलिए। ये शिकारी रंगे हाथ शिकार करते पकड़ा गया, अभी लंबी जेल की हवा खाएगा। तू ठीक है ना छोटे, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ रे। शिकारी को समझाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है छोटे, वे कभी नहीं सुधरने वाले, उनके लिए जेल ही उचित जगह है। ठीक बोला रे बॉब।